स्टूडेंट आज हम सॉल्व करेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी से क्वेश्चन नंबर 26। ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो बच्चों आज फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ पे है? पाई बाई टू पे। तो हम लिखेंगे कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसका मीनिंग हुआ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल से एल एच एल भी निकाल सकते हो और आर एच एल भी। तो हमने क्या निकाला? आर एच एल। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? पॉइंट प्लस एच आर एच एल का, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो डायरेक्ट हो गया, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू पे एल एच एल भी आता है और आर एच एल भी आता है, ठीक है। तो आर एच एल किससे डिफाइंड होगा? फर्स्ट वाले से। तो इसका मीनिंग है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख दोगे? पाई बाई टू प्लस का एच और अपॉन में पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू प्लस एच इज इक्वल टू 3। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 2h किसके इक्वल है? 3 के। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये k बाई 2 आ जाएगा। साइन h और अपॉन h, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो k का आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है बच्चों।